सर्वे की हरी झंडी के बाद हमारे साथ यहाँ के जिलाधिकारी एस राजलिंगम जी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि तैयारियां कैसी, सर तैयारियां कैसी और किस स्तर पे, जिस तरह से हरी झंडी मिल गई है हाईकोर्ट की, क्या कहना है? जब जनपद न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ उसमें भी एएसआई को डायरेक्शन था, वो वहाँ पे सर्वे काम शुरू कराएंगे और एएसआई ने जिला प्रशासन से मदद मांगा, हमने एएसआई को सहयोग प्रदान किया। अब की बार क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में मामला पेंडिंग था और आज आदेश आने की सूचना है, तो उसमें जैसे ही एएसआई हमसे मदद, जो भी मदद मांगेंगे उनको आवश्यक जो सहयोग है वो प्रदान किया जाएगा। कितनी टीमें यहाँ पर हैं अभी, कितनी टीमें और आनी हैं और जो सहयोग होगा वो किस तरह का होगा, अगर बिंदुवार बात करें? पिछले बार उन्होंने जो दोनों पक्षों को सूचित करने के लिए और अंदर एक्सेस के लिए मदद मांगी उन्होंने, सो हमने किया। अब की बार एएसआई से हम करस्पॉन्डेंट्स की वेटिंग में हैं, वो टीम कहाँ से उन्होंने पुलअप करेंगे वो उन पर है, क्योंकि वो विशेष एजेंसी है, उनके टीम आने का भी कोई करस्पॉन्डेंस हमारे पास नहीं है और जब भी वो हमसे मांगेंगे तो हम उनको जो भी सहयोग चाहिए वो हम देंगे। लेकिन सर एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये जो सर्वे की बात अब सबके सामने है, मन में सवाल है कि सर्वे कब से शुरू होगा, तो जनता को क्या बताएंगे आप, सर्वे की प्रक्रिया कब से शुरू हो सकती है? मैं फिर कह रहा हूँ ये डायरेक्शन एएसआई को था, अब एएसआई जैसे अगर वो आज भी करना चाहेंगे, कल भी करना चाहेंगे या जब भी करना चाहेंगे, हम उनको पूरी मदद देंगे, हम उनसे करेस्पॉन्डेंस के इंतजार में हैं, वो जैसे करेस्पॉन्डेंस हमें मिल जाएगा हम उनको जो सहयोग चाहिए वो प्रदान करेंगे। आपने तैयारियां पूरी कर रखी हैं? हमारी तैयारियों तो पूरी है, वो क्योंकि आज जजमेंट का भी उसमें आने का डेट था, सो हम उस दृष्टि से भी तैयारी तो पूरी रखे हैं और उनके लेटर की जैसे आते ही हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। अगर लेटर की बात अगर करें तो लेटर आएगा, लेटर आने के बाद पूरी प्रक्रिया होगी, तो क्या हम आज मान के चले आज सर्वे होगा या कल से शुरू हो सकता है? हम तो तैयार हैं, यदि वो आज शुरू करना चाहते हैं तो वो शुरू करने में जो हम मदद दे सकते हैं, क्योंकि उनका भी अपना जो मशीन मोबिलाइजेशन इक्विपमेंट्स का मोबिलाइजेशन करने के लिए समय चाहिए और उनके मैन पावर को मोबिलाइजेशन करने के लिए समय चाहिए, इसकी सही जवाब तो ए से दे पाएंगे, बट वो जब भी शुरू करना चाहते हैं वो करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप तैयार हैं लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं मशीनों को वहां पर पहुंचाना है, टीम आएगी, तो ऐसी स्थिति में क्या ये माना जाए कि कल से शुरू हो सकता है, ये मान सकते हैं? वो फिर कह रहा हूँ ये ऐसा ही बता पाएंगे, इस पर उनकी करेस्पॉन्डेंस के ऊपर है कि वो कब से शुरू करना चाहते हैं, अगेन उनके इक्विपमेंट्स को वहाँ से यहाँ लाने में जो आवश्यक और टीम को लाने में जो समय लगेगा, सो मोस्ट प्रोबेबली जो आज शाम से या कल। नीतीश प्रशासन की एक बड़ी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की भी होती है, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से वहां पर क्या कुछ सुनिश्चित करेगा प्रशासन? निश्चित तौर पे जो सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह के आदेश हैं, जैसे ही कोर्ट की हरी झंडी मिली है उसके बाद किस तरह के आदेश हैं, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर चाकचौबंद किया गया? क्योंकि आज जजमेंट आने का था और पहले से ही वो हाई सिक्योरिटी जोन में मंदिर और जो ज्ञानवापी परिसर का पूरा हाई सिक्योरिटी जोन में है, उसके दृष्टिगत सारे सुरक्षा व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ कर दिया गया और जो जहाँ जहाँ जो हम लोग संवेदनशील इलाके हैं जी, और भी जो स्पॉट्स है उसको चिन्हित करके हमने वहाँ पे पहले से डिप्लॉयमेंट कर रखा। बिल्कुल नीतीश।